नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पवित्र दिन रामनवमी का दिन और आज के इस दिन पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं बहुत ही पवित्र काम के लिए। सबसे पहले मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय विद्वत साहित्यकारों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय सुधाकर अदीप जी, आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी, आदरणीय अमिता दुबे जी, आदरणीय अलका प्रमोद जी और आदरणीय रश्मिशील जी, वो भी जुड़ने वाली है जल्द ही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष संध्या जो है वो समर्पित है एकांतवासी शत्रुघ्न को। ये उपन्यास अमिता दुबे जी का, जिसका आज लोकार्पण होना है। और मैं बिना कोई समय गवाए जल्द से जल्द इस पवित्र कार्य को होते हुए इसका साफ साक्षी बनना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ कर रही हूँ। और कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर सुधाकर अदीप जी से कि वो अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल जी, और डॉक्टर अमिता दुबे जी को बहुत बहुत बधाई, प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी को उनका अभिनंदन, उनका स्वागत, और भी हमारे साथ जो विद्वत जन विदुषी भी जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। बहुत ही हर्ष का विषय है, आज विशेष दिन है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होते हैं उनमें से है एक आज रामनवमी का पर्व, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कथा तो ऐसी है जो कि जन जन में व्याप्त है, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी शिराओं में है। और जो एक समृद्ध सांस्कृतिक पहचान उन्होंने हमारे राष्ट्र को दी है, जो मानव मूल्यों का उन्होंने प्रभु श्री राम ने हम लोगों के लिए उदाहरण छोड़ा है अपने व्यक्तित्व के द्वारा, महान व्यक्तित्व के द्वारा, वो सब हम लोग कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करने, अनुकरण करने की चेष्टा करते। और जो कुछ भी शुभ हमारे संसार में आज है, भारत देश में है, वो सब कहीं ना कहीं से वहीं से आता है, उस परंपरा से आता है जो वाल्मीकि की परंपरा है, तुलसीदास की परंपरा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परंपरा है, हमारे आदर्श नायक श्री कृष्ण की परंपरा है। तो राम कथा, रामायण यदि देखा जाए तो यदि इतिहास है तो वो रामायण ही है। राम कथा का इतिहास का जो स्वरूप है वो रामायण है, उसके बाद फिर सारी कथाएं। ऐसा मानना था हमारे जो अग्रज साहित्यकार हुए नरेंद्र कोहली जी, उनका भी कहना था। मुझे इस सौभाग्य मिला था 2 वर्ष पूर्व 2019 में उनका एक साक्षात्कार लेने का, इसी लखनऊ में। तो उन्होंने ये कहा था कि बाकी सब राम कथाएं हैं, इतिहास रूप में यदि कुछ है तो वो है वाल्मीकि रामायण, वहीं से सारा कुछ प्रारंभ होता है, और परवर्ती लेखक उसी लाइन पे चलते हैं, कुछ कुछ अपना मौलिक उसमें जोड़ते जाते हैं। क्योंकि अगर आपके साहित्य या साहित्यिक कृति में मौलिकता नहीं होगी तो केवल पृष्ठ पेषण होगा और वो जल्दी स्वीकार नहीं होता। तो तुलसीदास जी ने भी वही किया, कंबन ने भी वही किया, बहुत सारे
लेखकों ने कवियों ने वही किया। अमिता दुबे जी ने भी अपने ढंग से राम कथा को कहा है और इसमें जो उन्होंने कथा नायक रखे हैं वो हैं एकांतवासी शत्रुघ्न। वनवासी तो थे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी, और लक्ष्मण जी जो थे वो वनवासी थे, मगर अयोध्या में रहते हुए अयोध्या की देखभाल करते हुए एक एकांतवास का जो जीवन जी रहे थे वो दो भाई थे। एक तो घोर एकांतवास का जीवन जी रहे थे भरत नंदीग्राम में, आज भरत कुंड जहां पर है अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर नंदीग्राम में, तो वो स्थान हमने भी दर्शन किए हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे कभी ना कभी, और आज भी वो स्थान जो है मंदिर भी है वहां पे कुंड भी है, और जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि उस रूप में उन्होंने संजोया है। कि कहते हैं कि भरत का तो जो सोच थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी, बड़ी भावुक उनकी एक कहना चाहिए उनका जीवन था, उनका सोच थी कि वो कहते थे कि जब इस धरती के ऊपर मेरे बड़े भाई वनवासी जीवन जीते हुए पृथ्वी पर सोते हैं तो मुझे अधम का ये अधिकार नहीं है कि मैं उसी धरती पे लेटूं। यद्यपि महात्मा थे भरत, और उन्होंने क्या किया कि जहां भरत कुंड है वहां पर नीचे बाकायदा गड्ढा खुदवा के और नीचे तल में जाके, जैसे आजकल के जमाने में कहते हैं बेसमेंट बनाते हैं हम लोग आधुनिक जीवन में, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं तो उसमें बेसमेंट बनाते हैं, और उस बेसमेंट में बहुत सारे कार्य व्यापार अच्छे और बुरे होते हैं, कुछ लोग उसमें काला धन भी रखते हैं। तो आज का समय है और वो समय सोचिए कि एक महर्षि स्वभाव का राजकुमार गड्ढा खुदवा के रह रहा है और उसमें एकांत वास कर रहा है, और वो खड़ाऊ उसने रख रखी है सामने अपने बड़े भाई की, तो चित्रकूट से वो लेके आया है और प्रतिनिधि बन के वो अयोध्या का शासन चला रहा है, वहीं से बैठे बैठे निर्देश देता है। मैं तो कहूंगा बल्कि अगर आज के संदर्भ में देखें तो भरत की स्थिति वही थी जो राष्ट्रपति की है आज, और प्रधानमंत्री अगर थे तो उस समय शत्रुघ्न थे, क्योंकि जो कार्य करना होता है एग्जीक्यूट करना होता है वो प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट और उनके नीचे के लोग होते करते हैं। राष्ट्रपति तो केवल एक तरह से परामर्शदाता है या अनुमति देने वाला एक संस्था होती है। तो शत्रुघ्न जो थे वो उनका एकांतवास वास्तव में ऐसा कठिन एकांतवास था कि मन से वो एकांतवासी थे लेकिन शरीर से उनको अयोध्या की देखभाल के लिए, अपने उस भाई की देखभाल के लिए जो गड्ढा खोद के तपस्यारत था नंदीग्राम में भरत, अपनी तीन माताएं और सारी जो वहां पे स्त्रियां थी चारों भाइयों की, जिनमें उनकी भी स्त्री थी श्रुति कीर्ति, उन सब का भी ध्यान रखना। अमिता जी ने निसंदेह बहुत ही वो सिद्धस्थ है इस कार्य में कि जो रिश्ते और नाते होते हैं पारिवारिक सामाजिक उनको बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित करती हैं, और एक मनोवैज्ञानिक ढंग से जो निरूपण होता है उसमें उसको वो उनकी कहानियों में भी देखने को मिलता है और इस उपन्यास में भी वो चीज आई। तो मैं बात लंबी ना हो क्योंकि अन्य विद्वत जन और ऋषि हमारे बीच में उपस्थित हैं, रश्मि शील जी आ गई हैं, अलका प्रमोद जी आ गई हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं मैं, नमस्कार। तो फिर आगे जब कभी मुझसे कुछ कहा जाएगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये शुभारंभ हो रहा है उपन्यास का लोकार्पण मैं ही आप सबकी तरफ से किए दे रहा हूँ।
और अमिता जी भी उठा लेंगी तो बहुत अच्छा होगा, उनका उठाना जरूरी है। तो एकांतवासी शत्रुघ्न जो है, जो कि इस एक अलग से एक अनूठे उपन्यास में उनका चित्रण हुआ है, तो आप ये देखिए कि जब वो बात करती हैं तो रिश्ते और नातों की बातें बहुत ही सुंदर ढंग से आई हैं, उसका विस्तार में हम जा नहीं सकते, वो उपन्यास पढ़ने से उसका ही एक अलग आनंद मिलेगा। लेकिन जो उनका एक तरीका है कि बात को संक्षेप में बहुत सारगर्भित ढंग से रख देते हैं, हम लोग जब उपन्यास लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और दूसरे लोग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी डायलॉग्स, बहुत संवाद, विस्तार से विवेचन। लेकिन एक तो अमिता जी बहुत, मैं ये कहूँगा, इतनी व्यस्त हैं, 13 जीवन ये जीती हैं, एक सरकारी, एक गृहस्थ का, एक जो है लेखिका का, तो उस रूप में इनके पास समय का बहुत अभाव। लिखने को ये भी 500-600 पृष्ठों का, 700 पृष्ठों का उपन्यास लिख सकती हैं, लेकिन 100-125 पेज में उसी बात को समेटना आसान कार्य नहीं। तो ये कार्य वही कर सकता है जिसके पास विवेचना करने की शक्ति हो, विश्लेषण करने की शक्ति हो, और जो चीजों को बहुत ही गंभीरता से और गहराई से समझता, तो वो बातों को बहुत ज्यादा संवाद की शैली में नहीं लाती, ये बहुत नरेशन नहीं है, एक प्रकार से समझाने की, समझने की जो एक प्रक्रिया होती है, उस रूप में उन्होंने अधिकतर इस उपन्यास को रचा है। कहीं कहीं संवाद भी है, लेकिन जिस बात को लोग 4 पन्ने में या 6 पन्ने में या 10 पन्ने में लिखते हैं उसको वो एक पैराग्राफ में लिख देते हैं। अच्छा, थोड़ी सुविधा भी है क्योंकि राम कथा तो ऐसी है कि भाई अधिकांश जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ी है, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से भी सुनी है, और चारों तरफ वो घटित होती रहती है किसी न किसी को, तो आसान है, लेकिन तथ्य के रूप में समझा पाना, दे पाना और समेट पाना ये कोई आसान कार्य नहीं। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। अब शत्रुघ्न का जो एक स्वरूप था कि बाहर का स्वरूप, जहां वो राजकाज देखते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं, दैनिक जो कार्य है वो वहां भी जाते होंगे, नंदीग्राम भी, अपने भाई की भी कुछ खबर रखते होंगे, उनसे परामर्श लेते होंगे, निर्देश लेते होंगे, बहुत सारी चीजें वो सब है अपनी जगह। लेकिन जब रनिवास में और अयोध्या के उस राजमहल में आते हैं जहां पिता दिवंगत हो चुके हैं और राम और सीता और लक्ष्मण उनसे जो बड़े हैं वे वन में जा चुके हैं, माताएं व्यथित हैं और जो उनकी पत्नियां हैं वो भी उनकी सेवा में जुटी हुई हैं, एक अजीब सा माहौल है, उसमें अकेला वो राजकुमार ऐसे अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, सबको सांत्वना भी देता है और गंभीर भी रहता है, और अपनी उपस्थिति से किस प्रकार से उनको सुख प्रदान करता है, कितने अच्छे शब्दों में बात कही है, मैं वही पढ़ूंगा, अब बीच में नहीं बोलूंगा। पृष्ठ 34 पे लिखती हैं एकांतवासी शत्रुघ्न में डॉक्टर अमिता दुबे। शत्रुघ्न प्रतिदिन प्रातः माताओं के चरणों की वंदना करने अवश्य आते और रात्रि में एक बार अवश्य उनके नेत्रों को सुख पहुंचाएं, ऐसी माताओं के आदेश, ऐसे माताओं के आदेश को वे पूर्ण करते। इन दोनों अवसरों की प्रतीक्षा माताओं के साथ साथ उर्मिला और श्रुति कीर्ति को भी रहती। जब शत्रुघ्न माता के पास आते उस समय वे उर्मिला द्वारा निर्मित चित्रों को अवश्य देखते और माता से उन प्रसंगों को अवश्य सुनते जिससे माता के नेत्रों से नित्य प्रति श्री राम सीता और लक्ष्मण के वियोग के कारण बरसने वाले आंसुओं में कभी कभी हास्य के अश्रु भी दिखाई दे जाते। जब माता चारों भाइयों के बाल्यकाल की स्वाभाविक गतिविधियों का वर्णन करते करते मुस्कुराने लगती
और उस क्षण शत्रुघ्न को अनुभव होता कि उनके जीवन के यही सार्थक पल हैं जब वे योगिनी माताओं को थोड़ा ढाढ़स दे पाते। इस प्रकार से आप देखिए क्या मनस्थिति रही होगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या वातावरण रहेगा, उसको कितने कम शब्दों में आपने व्यक्त किया। अगला पेज है, मैं बीच में से छोड़ रहा हूं। जिस प्रकार श्री राम के श्री चरणों में लक्ष्मण की प्रीति थी, उसी प्रकार बड़े भाई भरत के श्री चरणों में शत्रुघ्न की अगाध आस्था थी। अब तो ये चरण श्री राम के चरण की भांति पूजनीय हो गए, क्योंकि श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में ये चरण स्थापित किए। बहुत भावुक मार्मिक ढंग से अपनी बात रखती। शत्रुघ्न ने 14 वर्षों तक, यानी जब तक श्री राम अयोध्या वापस नहीं आए तब तक राजमहल में भोजन नहीं किया। वे भरत की भांति ही कंद मूल फल का सेवन करते रहे। अपने तीनों भाइयों की भांति तपस्वी वेश में तो नहीं रह रहे थे, परंतु उनका मन वनवासी ही था। उनका भोजन वनवासी की भांति था, उनका शयन भी वनवासी की भांति ही था। अब ये बात चलती है बीच बीच में, दादी पोते के संवाद भी है इसमें, उनको मैं छोड़ता हुआ और आगे बढ़ता हूँ। दोनों ही बात संवाद कर रहे हैं और उसमें ये बात उभर के आ रही है। भरत ने अयोध्या नगरी के बाहर नंदी ग्राम में अपनी कुटिया बनाई थी। उन्होंने 14 वर्षों तक नगर में प्रवेश नहीं किया। संपूर्ण नगर की सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने का दायित्व शत्रुघ्न पर था, तो वे निश्चिंत होकर राजमहल में नहीं सो सकते थे। उन्हें श्री राम की धरोहर की सुरक्षा करनी थी और यह भी प्रयास करना था कि भरत को अधिक कष्ट भी ना हो। इसलिए शत्रुघ्न अयोध्या नगर के मुख्य द्वार के ठीक पहले रात्रि विश्राम करते थे। उन्होंने कोई पर्णकुटी नहीं बनाई थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई इस बात को जाने कि वे राजमहल में नहीं रहते, न माताएं, न भाभियां, न भरत भैया। इसलिए भरत के विश्राम करने जाने के उपरांत वे एक पत्थर की शिला पर कुछ घंटे विश्राम करते और प्रातः होने से पूर्व ही नगर की सीमाओं की चौकसी हेतु निकल पड़ते। वहां से लौटकर माताओं के पास जाते और फिर भरत भैया की सेवा में उपस्थित हो जाते। एक प्रकार से वन में जो काम श्री राम के साथ लक्ष्मण कर रहे थे, वही कार अयोध्या के राजमहल में रहने वाले शत्रुघ्न कर रहे थे। इस प्रकार से बहुत सुंदर चरित्रण किया है, निरूपण किया है राम कथा के इस पहलू का, और इसके लिए सचमुच डॉक्टर अमिता दुबे एक कथाकार के रूप में बधाई की भी पात्र हैं और उनका ये कृत्य बहुत अभिनंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जी। आज का ये कार्यक्रम ईश्वर की इच्छा से दोबारा हुआ। अन्यथा इस कार्यक्रम में पहले थोड़ा व्यवधान था और हम ये सोच रहे थे शायद ये कार्यक्रम ना हो, जिसकी वजह से कुछ ऐसी जल्दबाजी में भी चीजें हो रही हैं कि क्योंकि मुझे एक वीडियो मैं दिखाना चाहती थी और वो वीडियो बीच पे रह गया, फिर ही मैं उसे बीच पे फिर कभी दिखाऊंगी। लेकिन आपने बहुत सुंदर ढंग से विवेचना की और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी से मेरा अनुमान है कि वो पुस्तक के संबंध में कुछ कहें। आप सबको राम नवमी की हार्दिक बधाई। प्रसिद्ध कथाकार आदरणीय अदीर जी और लेखिका डॉक्टर अमिता दुबे जी, जो कथाकार भी हैं, कवयित्री भी हैं, समालोचक भी हैं और अन्य विधाओं में भी अपनी रुचि रखती हैं,
संचालन करने वाली हैं, राजू जी जो बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रही हैं, प्रमोद जी, अलका प्रमोद जी और सभी भवन। अभी अदीप जी ने बहुत व्यवस्थित रूप से रामकथा के परिप्रेक्ष्य में शत्रुघ्न जी की स्थिति और उनकी भूमिका का अच्छा विवेचन किया। शत्रुघ्न वो उतना प्रकाश में नहीं आया, ये मेरे मन में कमी रहती थी और मैंने इसको कई स्थलों पर कवियों से निवेदन किया। सबसे पहले श्रीमती कृष्णा अवस्थी जी से मैंने ये अनुरोध किया कि रामचरित के जितने भी पात्र हैं, जिनको बाद में कहा गया कि अल्पचर्चित हैं, मैं उनको उपेक्षित नहीं करता, अल्पचर्चित या स्वल्पचर्चित हैं, उन पर भी कलम या लेखनी चलनी चाहिए। और मैंने कहा कि शत्रुघ्न जी की वही भूमिका है जो वन में राम के साथ रहते हुए लक्ष्मण की थी, वैसे वही भूमिका भरत के साथ रहते हुए शत्रुघ्न की भी है, लेकिन इनकी चर्चा विशेष रूप से नहीं हुई है, इन पर अवश्य कुछ लिखा जाना चाहिए। और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करके शत्रुघ्न शौर्य नाम का खंड काव्य लिखा और अपने रुग्णावस्था में ही अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने उसे पूरा किया, परिश्रम किया और वो हम लोगों के बीच में। इसके बाद एक दूसरी प्रेरणा मैंने दी, श्री प्रताप नारायण मिश्र बाराबंकी के कवि हैं, उनको मैंने प्रेरित किया कि आप भी वीरवर शत्रुघ्न पर कुछ लिखिए। तो उन्होंने शत्रुघ्न पर शत्रुघ्न विजय नाम से खंड काव्य की रचना की। और लेकिन अभी तक जो रचनाएं हुई, रविंद्र शुक्ल ने भी एक महाकाव्य लिखा इनसे पहले, लेकिन ये गद्य में और औपन्यासिक कृति के रूप में प्रकाशित पहली रचना है जो डॉक्टर अमिता दुबे जी के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में आज चर्चा में आ रही है। अमिता दुबे जी ने शत्रुघ्न के चरित्र को, एक तो जो स्रोत है जैसा अदीप जी ने बताया कि हमारा राम कथा का तो आदि स्रोत या उपजीव्य ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि रचित आदि काव्य रामायण ही है, हम कहीं ना कहीं किसी तरह की भी चर्चा करते हैं तो वाल्मीकि रामायण से ही जुड़ते हैं, हमारा स्रोत वहीं से आता है, फिर हम अपने समाज और समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें और चीजें रखते हैं, उसमें मौलिकता लाते हैं और अपने समाज की समस्याओं का समाधान, अपने युग की समस्याओं का समाधान भी उसमें खोजते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी अदीप जी ने कही कि हम सारी जो हमारे जो दो महाकाव्य हैं जो ऐतिहासिक हैं, हमारे देश के इतिहास हैं, रामायण और महाभारत, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विनम्रता के समय बार बार ये कहते हैं कि कवि न हूं नहीं चतुर कहा हूं, मैं कवि नहीं हूं और मैं सत्य कहूं लिख कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, कहते मैं कभी हूं नहीं। जबकि तुलसी से बड़ा कवि कौन हो सकता है इस समय हिंदी में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूं। तो उनकी दृष्टि में यह था कि विश्व में तो केवल तीन ही कवि हैं उनकी दृष्टि में, पहले कवि आदिकवि वाल्मीकि हैं, दूसरे कवि व्यास हैं और तीसरे कवि कुल गुरु कालिदास है। तो प्रथम दो जो कवि हैं ऋषिकोटि के हैं महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास, इनकी दोनों रचनाएं आज तक हमें उपजीव्य का कार्य करती हैं। जो कुछ भी हम लिखते हैं रामकथा से संबंधित या कृष्ण कथा से संबंधित, आज भी अगर हम संशय की एक रात नरेश मेहता की पढ़ते हैं तो जाकर के वाल्मीकि से जुड़ते हैं, भारती जी की कन्हुप्रिया पढ़ते हैं तो भी महाभारत से ही जुड़ते हैं,
मतलब सारा उपजीव्य हमारा वहीं से, ये हमारे ऐतिहासिक काव्य हैं और महाकाव्य हैं, इपिक कहलाते हैं। तो आपने ये विवेचना बहुत अच्छी की, और उसी संदर्भ में डॉक्टर अमिता जी भी उन्हीं महाग्रंथों से जुड़ती हैं। उनके मन में ये, मैं जो कह रहा हूँ कि ये उनको बधाई हम लोग दें कि पहली गद्य कृति या उपन्यासिक कृति हिंदी में प्रकाशित रूप में ये एकांतवासी शत्रुघ्न ही आई है। इसके अभी तक काव्य में तो आ गई, लेकिन गद्य में कोई कृति इस तरह की नहीं आई। अमिता जी का लेखन, गद्य लेखन चाहे कथा लेखन में विशेष रूप से उन्हें एक सिद्धि प्राप्त है कि बड़े संक्षेप में सरल भाषा में अब अभिव्यक्ति देती हैं और उसमें रोचकता भी रहती है। विस्तार के पक्ष में वो नहीं है क्योंकि विस्तार का समय भी नहीं है। तो उन्होंने जो यह उपन्यासिक कृति दी, इसमें लक्ष्मण के शत्रुघ्न के विषय में उन्होंने नई सोच, नया चिंतन भी विकसित किया है। एक तो कोरोना काल था जिस समय ये रचना लिखी गई, उस कोरोना काल का प्रभाव था, एकांतवास लोग कर रहे थे, तो उन्होंने एकांतवास को ध्यान में रख करके एकांतवासी शत्रुघ्न के चरित्र को उठाया। इसमें उन्होंने 16 उपविभाग किए हैं, 16 छोटे छोटे खंड किए हैं, और वो एक पाठ जैसे हैं, बड़े सरल और सहज ढंग से उन्हें कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी स्तर का व्यक्ति पढ़ सकता है, वो बड़ी सहज रूप में समझ में आ सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने यह प्रयास किया है कि पूरी राम कथा के मुख्य मुख्य बिंदु उसमें आ जाएं। और जितने प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ये वाल्मीकि हैं, तुलसी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं और इसके बाद भी, तो उन सबको भी उन्होंने उसमें लिया है कि क्या क्या नवीनताएं उन्होंने की हैं। और उसके बाद राम कथा में शत्रुघ्न की क्या भूमिका है, इसको उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से इसमें चित्रित किया है। उन्होंने जो इसका शीर्षक दिया है, प्रश्न उठाया उन्होंने कि दो काव्य तो आए, एक शत्रुघ्न विजय और एक शत्रुघ्न शौर्य, तो क्या उनके उनमें शत्रुघ्न में केवल शौर्य ही की प्रधानता थी? शौर्य के साथ साथ अन्य विशेषताएं उनमें थी सब। तो शौर्य के साथ साथ उन्होंने शत्रुघ्न में जो पारिवारिक सामाजिक दायित्व की भावना थी, उसको भी उन्होंने इसमें बखूबी चित्रित किया है। अदीब जी ने उसमें बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि शत्रुघ्न किस तरह से भाई भरत के संन्यस्त हो जाने पर सारा दायित्व संभालते थे, राजभवन का भी, राजभवन के बाहर कोई शत्रु अयोध्या पर बुरी नजर न डाले, कहीं कोई कलह न उत्पन्न हो इसका भी, क्योंकि राम वो राज्य जब जहाँ सुन लिया लोगों ने कि भरत तो एकांतवासी हो गए हैं नंदीग्राम में, तो बहुत से चक्रवर्ती राजदशरथ के राज्य में आक्रमण की भी भूमिका बना रहे थे उसके लिए। लेकिन शत्रुघ्न का ऐसा पराक्रम था कि वो हिम्मत नहीं करते थे और वो स्वयं शत्रुघ्न अपने शौर्य को कभी उन्होंने उस अहम नहीं माना। उस पर वो बड़े सरल भी थे कि शूर सुशील भरत अनुगामी, शूर तो थे लेकिन उनके साथ सुशील भी थे। प्रायः जो शूर होते हैं उनमें उद्धत उद्धत हो जाते हैं, उनमें इस तरह का भाव आ जाता है, अभिमान का भाव आ जाता है, अपनी शूरता का अभिमान आ जाता है, लेकिन शत्रुघ्न में यह भाव नहीं था। वो शूर तो थे लेकिन उसके साथ सुशील भी थे, शूर सुशील भरत अनुगामी, इसलिए उनकी एक बड़ी विशेषता थी। उन्होंने इसमें, अमिता जी ने जो दादी और पोते के संवाद से कथा को विकसित किया है, ये कथा बहुत ही रोचक बन गई है और बड़ी भावात्मक भी है, क्योंकि पोते का दादी से प्रश्न करना उचित है, उसी से प्रश्न करेगा उसका बड़ा लगाव भी होता है और दादी का भी दायित्व तो बन जाता है कि वो उसको उत्तर दें।
तुम्हें लगता है कि सुगंधा के रूप में यहाँ लेखिका ही उपस्थित है, और वो सारा अपना सब कुछ छोड़ करके खाना पीना सारी चीजें केवल शोध कार्य में लग गई कि शत्रुघ्न के विषय में हमें अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो और उसके साथ साथ हमारा मौलिक चिंतन भी उसमें निश्चित हो। तो उन्होंने इस कार्य को मतलब खाना पीना छोड़ करके एक तपस्विनी के रूप में उन्होंने इस उपन्यास को समाज को दिया, और वो इसमें व्यक्त है। जैसे उन्होंने जो एकांतवासी शत्रुघ्न शीर्षक दिया है, शीर्षक बहुत सोच विचार करके दिया है, और लोगों ने तो सामान्य शीर्षक दे दिया, लेकिन इनका शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। एकांतवासी शीर्षक इतना महत्वपूर्ण है, तो उस समय हम इस समय भी एकांतवास की स्थिति में ही हैं हम सब लोग, क्या मनस्थिति होती है। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो पांच कारण दिए एकांतवास के, उससे इस उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता भी सिद्ध होती है, क्योंकि शीर्षक जो भी दिया जाए एक तो पूरी कथा वस्तु को आच्छादित करता हो, दूसरी उसकी सार्थकता हर स्तर पर हो। तो उन्होंने बताया कि इतने पराक्रमी शूरवीर और सुशील शत्रुघ्न को सदा एकांतवास ही मिला, एकांतवास में ही रहना पड़ा, झेलना पड़ा। पहला उन्होंने बताया कि पहला एकांतवास तो उन्हें ननिहाल जाने से हो गया, भरत भैया के साथ ननिहाल चले गए, क्योंकि भरत के साथ उन्हें जाना ही था, इच्छा हो चाहे अनिच्छा हो। और वहां जब तक रहे तो वो अयोध्या में सेवा नहीं कर सके, अयोध्या का जो सुख है या उसको ना करके ननिहाल में रहे। और जब वहां यहाँ दूसरा जो आया वो राजमहल का एकांतवास हो गया, तुरंत ही भरत आए, राम का वनवास हुआ, भरत निग्राम में चले गए, तो शत्रुघ्न को सारा दायित्व तो मिल गया, और वो उसमें एकांतवासी के रूप में सब कुछ देखते रहे, किसी को साथ भी नहीं लेते थे, अकेले ही वो भ्रमण करते थे, बहुत कम सोते थे, जैसा कि अभी आपने अदीर जी ने बताया उपन्यास के माध्यम से कि एक शिला पर प्रथम रात्रि के प्रथम प्रहर पर सो लेते थे, उसके बाद वो पूरे राज्य की व्यवस्था सब देखते रहते थे कि किसी प्रजा को कोई कष्ट न हो, कहीं कोई कठिनाई न हो, और दिन में राजभवन में भी देखते थे कि माताओं को और उनकी भाभियों को कोई किसी को कोई कष्ट न हो। तो एक तो ये भी उनका जीवन पूरा एकांतवास में ही बीता चिंतन करते हुए, तीसरा उनका जो होता है वो मधुपुरी का हो जाता है, जब वो लवणासुर के वध करने की योजना आती है तो उसमें वो स्वयं इस दायित्व को लेते हैं, और वहां पर जाकर के बड़े भाई राम का आदेश हो जाता है कि तुम वहीं का राज्य ले लोगे, वहीं रहोगे, ऐसा आदेश होता है। इसलिए वो उनकी न इच्छा होते हुए भी कि वो अयोध्या में आए रहें, उनका बड़ा मन था कि भरत राम और लक्ष्मण और भरत के साथ रहें, लेकिन वो रह नहीं पाए, उनका भी एकांतवास उधर हुआ, और अंत समय में तो प्रस्थान में भी एकांतवासी ही हो गए, चले गए, महाप्रस्थान हो गया। तो इस तरह से जो एक मौलिक सोच है कि एकांतवासी शत्रुघ्न के शीर्षक की सार्थकता, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें जो उन्होंने शत्रुघ्न का चरित्र उभारा है वो बहुत आकर्षक है, बहुत अच्छा है। जो बीच बीच में उन्होंने संदर्भ दिए हैं, बातचीत की है, संवाद है, उन संवादों से, छोटे छोटे संवादों के माध्यम से उन्होंने शत्रुघ्न के चरित्र को बहुत निखारा है, और उनके शौर्य को भी, उनकी विनम्रता को भी, उनकी कर्तव्य निष्ठा को भी, और उनकी व्यापक दृष्टि को वो सामने लाए लाती हैं इसमें, और ये देखती हैं कि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो समदृष्टि रखते हुए सब पूरी प्रजा का कार्य करते हैं, और उन्हें लगता है कि मेरे रहते हुए मेरी सेवा भावना को के साथ भैया राम को, भरत को कोई शिकायत न हो, कोई कष्ट न हो, क्योंकि सारा दायित्व तो उन्हीं पर आ गया। न भरत उधर सन्यासी होकर के बैठ गए, विरक्त होकर इधर राम बाहर हैं, तो इसलिए उन्होंने ये दृष्टि रखी। तो अमिता जी ने जो चरित्र लिया बहुत संक्षेप में, उन्होंने उसको व्यवस्थित रूप से, और बीच बीच में
दादी पोते का और उनकी एक पोती है उसका, कई तरह के संवाद भी जी इसमें रोचक बनाते गए। और वो कहते थे कि भाई पोता को तब तक चिंता नहीं, तो कहती भाई शत्रुघ्न लला का कुछ हाल चाल मिला क्या, दादी से बार बार प्रश्न करता है। वो तुरंत जानना चाहता है कि शत्रुघ्न का चरित्र उसको एक उसमें आ जाए, एक ही लहजे में आ जाए, तुरंत आ जाए। तो कहता है शत्रुघ्न लला का कुछ हाल चाल मिला क्या। बड़ा रोचक है ये इस तरह के संवाद दादी और, क्योंकि जो माध्यमिक कक्षा का विद्यार्थी हो वो इसी तरह से बोल सकता है, आधुनिक ढंग से ही बोल सकता है। तो उसको भी उन्होंने बताया कि जो पात्र हैं उनकी जो अवस्था है और उनकी जो बोलने का ढंग है, उनकी जो जिस संस्कृति में वो पल रहे हैं उसका भी इसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं एहसास होता है और धीरे धीरे वो व्यक्त भी होती। दादी अपनी पीढ़ी की है, इनमें दो पीढ़ियों का सामंजस्य भी चल रहा है साथ साथ। एक अभी नई पीढ़ी जो रामकथा के विषय में किस तरह के तर्क करती है, रामकथा के पात्रों को क्या समझती है, किस रूप में समझती है, एक जो आस्थावादी पुरानी पीढ़ी है वो राम कथा के विषय में और राम के जो चरित्र हैं, राम के जो पात्र हैं उनके विषय में उनकी क्या धारणा है। ये भी मैंने दो भावनाएं दो पीढ़ियों का एक समानांतर रूप चलता है जिसे अमिता जी ने पूरा पूरा निर्वाह किया है। बहुत अच्छी योजना की है भाई, बच्चों के लिए आजकल राम कथा का जानना बहुत आवश्यक है। जैसा अदीप जी ने भी कहा कि राम कथा हमारे राष्ट्र के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन मानव मूल्यों की स्थापना करती है वो बहुत ही प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। तो इन जीवन मूल्यों की या मानव मूल्यों की स्थापना की हम अपनी अगली पीढ़ी को नहीं बताएंगे या किसी माध्यम से, तो ये तो हमारी ही एक न्यूनता होगी। कि हमारा दायित्व तो है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपने रिक्स को सौंपें, उनको बताएं ताकि वो केवल अंग्रेजी माध्यम से ही रामकथा ना पढ़ें, हमारे माध्यम से भी पढ़ें, हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से पढ़ें। तो इस ये ऐसे उपन्यासों का आना बहुत आवश्यक है। गद्य में काव्य में उतना लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उपन्यास का एक अलग पढ़ने का आनंद होता है, उसमें कथा होती है, कथापन होता है। और तो इसलिए अमिता जी ने जो ये व्यवस्था इसमें कथा सूत्र लिए हैं और जो उसमें कथापन भी है बहुत विस्तार नहीं है, किस्सा गोई नहीं है, लेकिन भाषा की दृष्टि से और संवाद की दृष्टि से इसमें एक सरलता एक प्रवाह है वो बड़ा अच्छा है। एक सिटिंग में पढ़ जाइए, छोटे छोटे जो विभाग हैं दो विभाग पढ़ लीजिए, विश्राम कर लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, फिर विश्राम कर लीजिए और कथा चलती रहती है। तो ऐसी ये उपन्यास अपनी अपनी वस्तु दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से और कुंजा के संवेदना की दृष्टि से बहुत सफल उपन्यासिक कृति है। मैं अमिता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये एक नई कृति हमारे साहित्य साहित्य समाज को साहित्य जगत को दी है और आगे भी ये प्रयास करेंगी कि जो हमारे इस तरह के अचर्चित पात्र हैं, अल्पचर्चित पात्र हैं, उन पर भी इस तरह का प्रयास करके लिखेंगी तो उनका साहित्य जगत में तो स्वागत होगा ही और जो अध्येता वर्ग है वह भी उसका बड़ा सम्मान आदर करेगा। मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने एक अच्छी कृति साहित्य जगत को और समाज को दी। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने उपन्यास की विषय वस्तु उसके शीर्षक के ऊपर प्रकाश डाला है। और वास्तव में अमिता जी का उपन्यास आज सुबह ही प्राप्त हुआ और देवयोग से यह ऐसे समय पर प्राप्त हुआ जबकि इस उपन्यास यहाँ पर लोकार्पण की चर्चा ही समाप्त हो गई थी, किंतु वो होता है ना कि ईश्वर सब रच के रखते हैं और जो रच के रखते हैं तो उसके रास्ते भी बनाते जाते हैं, तो उन्होंने मार्ग स्वयं सुलभ कर दिया और आज हम इस तरह से सब यहाँ पर हैं। बस एक अमिता जी से मैं यही कहूंगी
कि मुझे बस एक चीज की कमी कर रही है कि मैं इसका आयोजन जिस तरह से करने की सोच रही थी मैं वैसे नहीं कर पाई। मेरा बहुत मन था कि इसको विशेष तरीके से आयोजित करूं, लेकिन नहीं हो पाया जल्दी में। वो हम वो भी नहीं ले पाए, वीडियोस भी नहीं ले पाए, और जो डाले हैं वो भी ठीक से आ नहीं रहे हैं, तो अब हम उसको उस तरह से नहीं कर पाए। खैर, कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी बात है, ये भी रास्ता निकल आया, बड़ी बात है। बड़ी। तो अब आदरणीय लक्ष्मी शिव जी से अनुरोध करूंगी कि वो है इस समय और इस उपन्यास के विषय में अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और मैं सबसे पहले अमिता जी को बधाई दूं, वो तीसरी कृति आज हमारे सामने की आ रही है, और मुझे बोलने का आदेश हुआ है। यहाँ हमारे सामने प्रोफेसर हरिशंकर, लक्ष्मी जी का शायद कनेक्शन टूटा है, फिर से जुड़ने का प्रयास कर रही है। लक्ष्मण पर उस उपन्यास के माध्यम से एक नई बात लिखी, और आज शत्रुघ्न का जो एकांतवासी शत्रुघ्न का जो अवसर है वो शुभ अवसर इसलिए कि आज रामनवमी है, और राम का जन्म तो हुआ ही है, और जो हमारी कथाएं और जो हमारे उसके विषय में साक्ष्य है वो कहते हैं आज शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ, तो इस हिसाब से हम शत्रुघ्न की जयंती भी आज मना रहे हैं। रामचरितमानस में ये वर्णन भी है, तुलसीदास लिखते हैं कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सके सादर सारद अहिराजा। तो आज ये जो अवसर है लोकार्पण का ये बहुत अच्छा है कि आज शत्रुघ्न की भी जयंती है और हम एक अच्छे अवसर पर और बहुत ही हाँ ना के बीच में जुड़े हैं, तो ये बहुत जैसा कि अभी अदीप साहब ने और प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारे जन्मदिन है आज जी जी, लेकिन मैं शत्रुघ्न से जुड़ रही हूँ और उसी की बात कर रही हूँ, तो आज चारों लोगों के नामकरण और विवाह तक की तो सबकी घटनाएं एक साथ घटती है, और वहीं से उसके बाद भरत जब ननिहाल जाते हैं वहां से शत्रुघ्न का एकांतवास शुरू होता है। ये जो अभी हमारे जो अग्रज सुधाका अदीप जी और प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी ने कहा कि दोनों राम कथा के उपजीवी भी रामायण और जैसे कि महाभारत पौराणिक ग्रंथ रहे हैं, राम कथा रामायण से लेकर आज तक बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं और हर कथा के साथ कुछ न कुछ नई स्थापनाएं की गई हैं, और यह कथा इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर हम देखें तो जब तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की गई थी तो उस समय यह कहा जाता है कि मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए उन्होंने राम का एक आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया था, और आज अगर हम देखें तो महामारी का जो प्रकोप है जो भयावहता है वो भी हमारे सामने एक उसी तरह की त्राहित्राही की स्थिति ला चुकी है, और ऐसे में ये शत्रुघ्न का जो चरित्र है वो हमें बहुत ही धैर्य प्रदान करने की शक्ति देता है, और हमें इस तरह से ये जो कहानी ये कृति है वो हमारी जो लेखिका है वो इस महामारी की समस्या से जुड़ती है और उसका निदान भी प्रस्तुत करती है, वो भी बहुत ही सहज ढंग से। मैं एक उदाहरण दूंगी कि वो कहती है अपने पोते से कि इस बीमारी से हम जीतेंगे, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन कर हम अपनी सनातनी परंपराओं से में लौट रहे हैं, ये परंपराएं आस्थाएं हमारी जीवनी शक्ति हैं, हमारे लिए जीवन रक्षक प्रणालियां हैं। तो इस दृष्टि से ऐसी कथाएं हमारे लिए बहुत ही ऊर्जा की बात करती हैं, तो अमिता जी की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम सबको भी इस जो हमारे जो प्रकोप काल जो महामारी का समय है हम सबको भी एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।
इस कृति का कथानक बहुश्रुत कथा रामायण है, लेकिन हाँ इसके नायक राम होकर के अनुज शत्रुघ्न है। उनके चरित्र के शत्रुघ्न के चरित्र के विविध पक्ष को इस कथा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यक्षता अगर हम देखें तो राम को वनवास दिया गया था, लेकिन राम कथा से उनके साथ वन चले गए। भरत ने अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहकर अपना वनवास काल बिताया, परंतु शत्रुघ्न का चरित्र इस दृष्टि से अतुलनीय है कि वे राजमहल में रहते हैं, बहुतः रश्मिशील जी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अमिता जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, आप भी अपने को अनम्यूट करिए, बोलिए कुछ। हाँ आप बोलिए अमिता जी, आप बोलिए। हेलो जी, रश्मि जी बोलिए। हाँ तो वो और उर्मिला और मांडवी की देखभाल करते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप अपना एकांतवास भोगते हैं। कौशल्या के शब्दों में हम देखते हैं, जब कौशल्या कहती हैं कि यह पगला तो अपने बड़े भाई की छाया बन नंदीग्राम के पास अयोध्या के मुख्य द्वार के निकट एक शिला पर रात विश्राम करता था। यह रामकाज के उत्तरदायित्व की बात कहकर शीघ्रता पूर्वक महल से प्रस्थान करता था। यह नियम पूर्वक दिन में दो बार हमारे पास आता, उस समय उर्मिला और मांडवी से कुशल क्षेम पूछता, परंतु श्रुत कीर्ति की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता। इस प्रकार इसका पति राजमहल में आते जाते हुए भी वनवासी था, सन्यासी था, और मेरी इस पुत्री ने एक बार भी यह प्रश्न नहीं उठाया कि माता मेरे पति रात विश्राम कहाँ करते। ये बहुत बड़ी बात थी, एक आदर्श परंपरा जिसके हम हमारी जो सनातन परंपरा अनुयायी रही है, ये बात हमारे सामने इस माध्यम इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका रखती है। राम ने वनवास से लौटे और उन्होंने राजपाट ग्रहण कर लिया। शत्रुघ्न मधुपुरी के आतंकी राजा लवणासुर का वध करते हैं, उनका राजपिता हो जाता है, वो मथुरा बसाते हैं, एक अलग भूभाग में राजा बनते हैं, और इसका समापन जो है वो होता है कि सभी भाई जो है वो आध्यात्म के लिए प्रस्थान करते। उस समय में शत्रुघ्न एक नए आदर्श की स्थापना करने के लिए एकांतवास भोगते हैं। उस समय शत्रुघ्न प्रजा के बीच जन जागृत का आकाश दीप प्रकाशित कर रहे थे, जहाँ स्त्री के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो, मिथ्या लोकोपवाद आदि प्रचारित न हो, ऐसी शिक्षा दी जा रही थी। मानो एकांतवासी शत्रुघ्न के बीच जीवन का यही उद्देश्य शेष था। कृति का समापन वाकी मेरी दृष्टि में उपन्यासकार की रचना धर्मिता का भी उद्देश्य है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आजकल जो पौराणिक कथाओं पर लिखा जाता है, उन रचनाओं का सृजन जो बहुत से विद्वान करते हैं, वो नवाचार के नाम पर तड़का लगाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने नवाचार उपन्यास लिखा। इसके बरक्स लेखिका ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे जो प्राचीन भारतीय संस्कृत के जीवन मूल्य हैं, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा करती दिखाई देती है, और वे इसके माध्यम से सर्वे भवन्ति सुखिना का उद्घोष भी निभाती करती हैं, बिना किसी छद्म के, बिना किसी आडंबर के, सहज भाव से भी संयुक्त परिवार, भाईचारा, आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश करती हैं। हमारे मन उदार हों तो हम दूर रहकर भी एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हो सकते हैं, एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। जैसे कि शत्रुघ्न राम से दूर रहकर न केवल उनका अनुसरण करते हैं, बल्कि अयोध्या की रघुकुल नीतियों की रक्षा भी करते हैं। और आज की अगर हम देखें तो सबसे बड़ी यही जरूरत है, जैसा कि हम कहते हैं कि दो गज की दूरी बहुत जरूरी, तो ये हमारी आज की जो जरूरतें हैं उनसे भी जुड़ता है,
और साथ ही साथ हमारी संस्कृति को भी जोड़े रखता है हमसे, और ऐसी जो कथाएं हैं वो आज की पीढ़ी को देने की बहुत जरूरत है। ये कथा मूल रूप से 14 वर्ष के वनवास की से जुड़ी हुई है। वनवास के 14 वर्ष जो है रावण काल के अनुरूप संस्कृत व वातावरण का निर्माण करते हैं। यद्यपि पूरा कथानक मेरे हिसाब से खुद एक समीक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ता है, बहुत ही वर्णन के माध्यम से लेखिका ने उस समय की जो घटनाएं थी प्रमुख घटनाओं को, उन्होंने घटनाओं को समीक्षा की दृष्टि से देखा, उनका विवेचन भी किया है, और फिर भी वो उसके साथ साथ वहां की अयोध्या की जो स्थितियां थी उसका वर्णन करती हैं। कि जैसे कि हम एक उदाहरण देंगे इस पुस्तक में है, देखने में तो सब कुछ सामान ही लगता है परंतु पूरी अयोध्या नगरी में उदासी है, उदासीनता है, कहीं कोई उत्सव भी नहीं होते, शिशु के जन्म पर बधाई नहीं गाई जाती, विवाह उत्सव भी नहीं है, जहाँ बहुत आवश्यक है वहां संस्कार हो जाते हैं, उत्सव नहीं मनाया जाता है, साधारण भोजन खाकर लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किसी घर से सुस्वाद भोजन की सुगंध नहीं आती, लोग स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं परंतु उनके वस्त्रों में नवीनता नहीं होती, सभी सौजन्य से रहते हैं लेकिन उनमें परस्पर आनंद का भाव नहीं दिखाई देता है। तो ये जो कथानक है वो वर्णन रामायण काल की बहुत वस्तुस्थिति से जो है परिचित कराता है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ अतुल्य और सुगंधा के माध्यम से आधुनिक बोध से जुड़ी समस्याओं से भी पाठकों को जोड़ने में सक्षम है। और अब बात आती उपन्यास कैसे लिखा गया, भाषा शैली, इसकी भाषा शैली इतनी प्रांजल और इतनी बोधगम्य है कि इस कृति को एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग मिलेगा। ये एक तरफ किशोर पाठक के मन को दृष्टि में रख करके, जो अतुल्य है वो 8वीं कक्षा का बच्चा है जो इस कथा से जुड़ता है, और मुझे लगता है कि इस पाठक का वर्ग भी यहीं से शुरू होगा कि एक जो किशोर पाठक है वो भी इस कथा को समझ सकता है, और 60 साल तक का तो है ही, और जो 60 साल तक समझेगा वो आगे तो इसके समझ, तो एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग जो है इस कथा से जुड़ता है और इस उपन्यास को बहुत ही उससे पढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पुस्तक की पठनीयता, तो दूरगामी परिणाम इस पुस्तक के हैं जो सकारात्मक दिखाई देते हैं। श्रोता और वक्ता के माध्यम कथा आगे बढ़ती है, रामायण कथा का जो बीज रामचरितमानस भी जो है वो भी श्रोता और वक्ता के माध्यम से कही गई है, वहां के वक्ता और चार हैं, श्रोता भी चार हैं, यहाँ पर एक श्रोता एक वक्ता है, दादी और अतुल्य के माध्यम सुगंधा और अतुल्य के माध्यम से कथा विस्तृत होती है, और इसके माध्यम से शत्रुघ्न के जो संयम त्याग कर्तव्य निष्ठा आदि जो चारित्रिक गुणों का उद्घाषित करती है। लेखिका अपने रचना कौशल से शत्रुघ्न की संवेदनाओं की घटनात्मक अभिव्यक्ति देती है, अपने जीवन अनुभवों के जीवंत संदर्भों को रूपायित करने के लिए और उन संदर्भों को सार्थक रूप देने की का प्रयास करती हैं, और इस प्रयास में वे चमत्कारपूर्ण शिल्प तथा भाषिक आडंबर का आश्रय नहीं लेती हैं, अपने सरल सौम्य स्वभाव के अनुरूप स्वाभाविक और सहज हिंदी में एकांतवासी शत्रुघ्न का चरित्र गढ़ती हैं। और यही इस कृति की विशेषता है कि जब आप इस कृति को पढ़िए तो शत्रुघ्न का चरित्र सामने आता है और लेखक का एक जो परिचय है वो आता है, उनकी रचनाशीलता से हम सभी परिचित हैं, जो कृतियां आती हैं वो हमें एक ऊर्जा देती हैं और वो भी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा होती है। एकांतवासी शीर्षक की सार्थकता प्रोफेसर साहब ने खुद ही अभी बताई है, और शीर्षक की सार्थकता को लेखिका ने जो एकांत जो रेखांकित किया है अपनी भूमिका में कि, और आज के संदर्भ से जिस प्रकार से वो जुड़ती और हम सबको जोड़ती है उसको मैं रेखांकित करती भूमिका में लिखती है कि एकांतवास आज के समय की मांग है। विश्व में महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस एकांतवास की मांग करता है, ये एकांत कैसे किसने कैसे जिया यह हम पर निर्भर करता है, शत्रुघ्न के एकांतवास को खोजने में मेरा भी एकांतवास सम्मिलित है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं
इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे पाठक श्रोता दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि ये एकांतवास वास्तव में आज के समय की मांग है, तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को इसी किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े। और अभी बहुत समय है, लेकिन हम अपने का बचाव इस महामारी से करें और हमारी ऊर्जा हमें सकारात्मक रूप से जोड़े रखे। अमिता जी इसी प्रकार से अपने सृजन का को आगे बढ़ाती रहें, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है हमारे सामने महिला शक्ति के रूप में दो लेखिकाएं हमारे सामने हैं, अमिता जी और अलका प्रबोध जी। दोनों जो महिलाएं हैं वो हमारे शहर का नाम बहुत रोशन कर रही हैं और चर्चा में रहती हैं। दोनों लोग बहुत ही ज्यादा सृजनात्मक कार्यों में लगी रहती हैं। मैं अमिता जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनकी रचना धर्मिता को मैं प्रणाम करती हूँ, और आदिब साहब और प्रोफेसर साहब जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और अलका प्रमोद जी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मिशील जी, बड़ी सुंदर ढंग से आपकी विवेचना। और जो आपने ये बात कही तो सच है, ये बात कि हमारे शहर की, लखनऊ शहर की, मुझे अभी भी वो हमारा ही शहर लगता है। छोड़े हुए अरसा हो गया, लेकिन ये शहर हमारा ही है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शहर की ये महान विभूतियां हैं और इनके साथ मैं कम से कम एक पटल पर हूँ, वो अच्छा लगता है। आज का ये विशेष अवसर और इस विशेष अवसर पर बहुत कुछ सोचा हुआ था, तो डॉक्टर अमिता दुबे जब तक जुड़ती है, आ गई अमिता जी, अमिता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी अभी वो वीडियो डाउनलोड कर पाई हूँ मैं, तो क्या मैं वो वीडियो प्ले कर सकती हूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी और मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। आज जी संचालक आप हैं, आप अभी चलाइए अपने, अभी अपने पास समय है। नहीं, ये शुरुआत में सोचा था और शुरुआत में वो वीडियो डाउनलोड। और रश्मि जी आप जी कोई बात नहीं, जहाँ से शुरू हो वही शुरुआत है। और एक बात मैं कहते हुए रश्मिशील जी को भी बधाई दूंगी और राजुल को भी, कि आप लोग भी कम नहीं हैं, निरंतर सक्रिय रहती हैं और नए नए रूपों में हमारे सामने आती हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजुल नहीं, राजुल जी ने तो जोड़ने का बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है। राजू जी मैं अपनी बात रखूंगी तब कहूंगी, इस समय हमारे बीच लखनऊ में ही है। जी 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 हमारे बीच लखनऊ ही है इस समय। जी जी बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं इस समय, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आदरणीय अलका प्रमोद जी को आमंत्रित कर रही हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डॉक्टर अमिता दुबे के रचना संसार पर।
तो ये था डॉक्टर अमिता दुबे का रचना संसार, बहुत ही समृद्ध। और अब हमारे बीच है आदरणीय अलका प्रमोद जी, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप इस तरह के विषय में। धन्यवाद राजन जी, आदरणीय सुधाकर अदीप जी, आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा जी, डॉक्टर अमिता दुबे, डॉक्टर रश्मि शुक्ल और प्रिय राजुल, आप सबको रामनवमी के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज दशरथ सुतों के जन्म का सुअवसर पर एकांतवासी शत्रुघ्न के लोकार्पण प्रतीक है आस्था का, अपनी संस्कृति में विश्वास का और वर्तमान को पौराणिक युग से संबद्ध करने का। इस प्रयास के लिए डॉक्टर अमिता दुबे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर अमिता दुबे की ये 30वीं कृति है, जैसा कि अभी रश्मि जी ने भी कहा था, और कई कृतियां पूर्ण होने की प्रक्रिया में हैं। डॉक्टर अमिता दुबे ने सभी विधाओं पर सर्जन को अपने सर्जन में स्थान दिया है। उपन्यास ये उनका दूसरा है, उनका पहला उपन्यास जो है वो उलझन था। कोरोना के आपातकाल में जब मानसिक अवसाद अपने चरम पर था, अमिता दुबे ने एकांतवास का सदुपयोग कर सकारात्मक सोच का परिचय दिया। अमिता दुबे एक भावुक, परिवार में आस्था रखने वाली, अपनी संस्कृति में आस्था रखने वाली, अपने पुराने पुराण में आस्था रखने वाली साहित्यकार हैं। वो उसका संरक्षण करने में विश्वास करती हैं और उनकी ये आस्था, उनके संस्कार हैं कि उन्होंने ये उपन्यास अपने पिता श्री श्री कृष्ण कुमार अनिल जी को समर्पित किया है। और उन्होंने इस उपन्यास के प्रारंभ में पंक्तियां लिखी हैं, एकांतवासी पिता। पिता के पिता तो होते हैं घर की मजबूत छत, जिसके नीचे हम रहते हैं निश्चिंता से। जब छत हटती है तब रहना होता है खुले आसमान के नीचे। लू धूप बारिश अंधेरा सब सहना होता है, पिता का जाना बना जाता है एकांतवासी। देखा है मैंने पिता को अनेक बार एकांतवासी होते हैं। उन्होंने अपना एकांतवास अपने पिताश्री का एकांतवास से जोड़ते हुए शत्रुघ्न के एकांतवास पर अपनी लेखनी चलाई है। 124 पृष्ठों का बोधि प्रकाशन से प्रकाशित यह उपन्यास, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, राम अनुज शत्रुघ्न पे केंद्रित है। शत्रुघ्न अपने चारों भ्राताओं में न्यूनतम चर्चित रहे हैं। यह लेखिका की सूक्ष्म दृष्टता है कि उन्होंने न केवल उन पर केंद्रित उपन्यास सृजित किया, वरना उनके गुणों से पाठकों को परिचित भी कराया है। इस उपन्यास की विशेषता है कि यह एक पौराणिक विषय पर होते हुए भी वर्तमान समय से तारतम्यता बनाए हुए है। इस और विशेषकर युवा पाठकों की स्थिति से जोड़ने में सक्षम है। इस उपन्यास के सूत्रधार पात्र दादी सुगंधा और पौत्र अतुल्य से के वार्तालाप के माध्यम से पात्र घटनाओं और परिस्थितियों की विवेचना भी करता चलता है, जो निश्चय ही आज के जिज्ञासु युवाओं को संतुष्ट करने में सक्षम होगा। उपन्यास का प्रारंभ दादी पोते के संवाद से प्रारंभ होता है, जो उपन्यास को रोचकता और गति प्रदान करता है। नायक शत्रुघ्न उर्फ रिपुदमन के संवेदनशील मनोभावों को, उनके चुपचाप किए जा रहे कर्तव्यों त्याग को, उनके सन्यासी व्यक्तित्व को
संप्रेषित करने में लेखिका पूर्णतः सफल हुई है। यथा लेखिका ने एक प्रसंग में लिखा है, जिस प्रकार श्री राम के श्री चरणों में लक्ष्मण की प्रीति थी, उसी प्रकार बड़े भाई भरत के श्री चरणों में शत्रुघ्न के अगाध आस्था थी। फिर अब तो ये चरण श्री राम के चरण की भांति पूजनीय हो गए थे, क्योंकि श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में ये चरण स्थापित थे। शत्रुघ्न ने 14 वर्ष तक, यानी जब तक श्री राम अयोध्या वापस नहीं आए, तब तक रोज उसमें भोजन नहीं किया, राज का भोजन नहीं किया। वे भरत की भांति कंद मूल फल का सेवन करते रहे। वे अपने 3 भाइयों की भांति तपस्वी वेश में तो रह रहे थे, परंतु उनका मन वनवासी ही था, उनका भोजन वनवासी की भांति था, उनका शयन भी वनवासी की भांति ही था। दादी के मुखारविंदु से अपने पौत्र को बताया यह कथ्य शत्रुघ्न की आस्था, कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ जिजीविषा को परिलक्षित करता है। शत्रुघ्न एक ओर कठोर व्रत का पालन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनका कोमल मन अपने ज्येष्ठ भ्राता के विछोह में व्यथित था। वह अपने अग्रज भरत से अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहते हैं, शत्रुघ्न माता को लेकर अधिक चिंतित मत हो। अनुज, भैया के वनवास की अवधि लगभग पूर्ण हो रही है, पर व्याकुल शत्रुघ्न का मन आश्वस्त नहीं हो पाता। वो कहते हैं, भैया न जाने क्यों माता की भांति मुझे लगता है कि भैया श्री राम किसी संकट में हैं। वे चक्रवर्ती दशरथ के सुत अकेले ही किसी विपदा का सामना कर रहे हैं। शत्रुघ्न की वाणी में कंपन था। इस उपन्यास में मात्र शत्रुघ्न ही नहीं, राम लक्ष्मण और भरत के चरित्र का भी वर्णन है, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि चारों भाइयों में एक अटूट संबंध की डोर थी। एक की चर्चा दूसरे के बिना संभव ही नहीं थी। जब ऋषि मुनियों को भय मुक्त करने के लिए लवणासुर के वध की आवश्यकता होती है, तो चारों भाइयों में इस बात पर स्पर्धा होती है कि लवणासुर का वध करने के लिए कौन जाएगा। अंत में रिपुदमन की ही जीत होती है। राम कहते हैं कि तुम ही जाओ और उनका वध करो। इस उपन्यास में मात्र इस क्षमा करिएगा बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसे वीर साहसी चरित्रवान मन से सन्यासी और आदर्श रिपु दमन पर उपन्यास लिखकर लेखिका ने समाज को, विशेषकर आज के युवा वर्ग को, एक प्रकाश स्तंभ दिया है। भाषा में संवाद रोचक हैं, बोधगम्य हैं, लालित्यपूर्ण हैं, और दादी और पोते का जो संवाद है वो आत्मीय वातावरण उत्पन्न करता है। आज की ये सामयिक आवश्यकता है ये उपन्यास, और एक प्रकाश स्तंभ है आज के युवा वर्ग के लिए। इस रचना के लिए डॉक्टर अमिता दुबे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और ये आशा करते हैं कि इसी प्रकार उनकी लेखनी आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अलका प्रमोद जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने विवेचना की। और अब अंत में डॉक्टर अमिता दुबे को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले किताब का, ये किताब आज ही सुबह मेरे हाथ पे आई और इस बीच में भी मैं पढ़ती रही हूँ, और पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह पर पहुंची हूँ, तो यहाँ पर आकर कहीं लगा कि जो भरत, जो शत्रुघ्न का जो एक एकांतवास है, उसे उनके भाइयों ने कितनी अच्छी तरह समझा, तो ये एक अंश है जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आप सभी आदरणीय लोगों की अगर आज्ञा हो तो मैं ये पढ़कर सुनाना अवश्य। भैया मेरी बात, ये तब का प्रसंग है जब श्री राम लौट आए हैं और
लौटकर वो भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। भरत अपने बारे में बता रहे हैं और बताते बताते वो रिपुसूदन के बारे में बात शुरू करते हैं और तभी यहाँ पर ये प्रसंग आता है। भैया मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई, मैं तो ग्लानि रूप अंधकार की ऐसी गुफा में था जहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं थी। उत्तरदायित्व का बोझ था किंतु दिशाविहीन मन भटक रहा था। तब हमारे सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। भरत ने शत्रुघ्न की ओर स्नेह से देखा। मैंने कैसे भैया, मैं तो आपका अनुचर, आपका अनुगामी, आपका सेवक मात्र हूँ, शत्रुघ्न ने संकोच से कहा। तुम नहीं जानते प्रिय अनुज, उस आत्मग्लानि की ज्वाला में सुलगते हुए तुम्हारे वचन मुझे कितनी शीतलता देते। भैया नंदीग्राम में जब मैंने पहली रात बिताई तो अनायास मुझे आभास हुआ कि एक मेरे कारण आज कितना कठिन जीवन जीने को विवश हो गए। मैं तो मात्र अयोध्या नगरी के बाहर हूँ जहाँ मेरी सुरक्षा के लिए प्रतिहारी भी है, किंतु वहाँ वन में आप भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ कितने असुरक्षित हैं। मुझे अनेक रातों तक नींद नहीं आई। एक दिन सूर्योदय के पूर्व ही देखता क्या हूँ कि अनुज शत्रुघ्न अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़ा है। मैंने सूर्यदेव को प्रणाम करते देख अनुज शत्रुघ्न मेरे पास आया और बोला, भैया कितने दिन हो गए, आपने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। यात्रा के मध्य मैं आपसे अनुरोध करता रहा किंतु आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। कितने दिन बीत गए हैं, मैं प्रतिदिन श्री राम भैया की भांति आपके लिए कंदमूल फल भोजन के निमित्त रखता हूँ किंतु आप उसे ग्रहण नहीं करते। जल वैसा का वैसा ही रखा रहता है, भैया ये उचित नहीं है। यदि आप इस प्रकार अन्न जल त्याग देंगे तब यह राज्य तो हमारे पास श्री राम की धरोहर स्वरूप है की सुरक्षा कैसे करेंगे, इसकी उन्नति के संबंध में कैसे विचार करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे असत्यवादी बना रहे हैं। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि को समझते हुए शत्रुघ्न ने कहा था, भैया माता कौशल्या मुझसे प्रतिदिन पूछती है, मेरे भरत ने भोजन कर लिया है। मुझे असत्य कहना पड़ता है कि हाँ माता, भैया ने भोजन ग्रहण कर लिया। भावी मांडवी भी प्रतिदिन कंदमूल फल आदि भेजती और पूछती कि क्या आर्यपुत्र ने भोजन कर लिया, तो मुझे असत्य बोलना पड़ता है। भैया आप भोजन नहीं करेंगे तो राजमहल में भी कोई पूजा नहीं करेगा। माताएं और कुलवधुओं को कठिन जीवनचर्या का अभ्यास नहीं है, वे कृशकाय हो रही है। प्रायः एक सप्ताह बीत रहा है, आपने नाम मात्र को भी जल ग्रहण किया है, भोजन तो बिल्कुल भी नहीं। भैया कृपया शरीर के लिए आवश्यक भोजन को ग्रहण करें और माताएं और कुलवधुओं पर दया करें। न जाने कैसे मेरे विश्वास दिलाने पर भी कि आपने कंदमूल फल ग्रहण कर लिए हैं उन्हें विश्वास नहीं होता और वे भोजन की थाली को सरका देती है। भरत ने विश्वास छोड़ते हुए बात आगे बढ़ाई, भैया उस दिन शत्रुघ्न ने यदि मुझे दायित्व बोध नहीं करवाया होता तो संभवतः मैं आपके सामने आज इस प्रकार आत्मसम्मान से न खड़ा हो पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी प्रशंसा मत करें भैया, वास्तविक प्रशंसा तो अनुज शत्रुघ्न की जानी चाहिए। भरत ने शत्रुघ्न की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टिपात करते हुए कहा। ये एक छोटा सा प्रसंग था जो कि उस स्थान पर आया था और ये मन को छू गया तो मुझे लगा कि ये पढ़कर सुनाओ। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो इस पुस्तक के लेखन के संबंध में और उनकी कृति और उनके विचार और हम सब सुनने के लिए अधीन। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल, आपने बहुत धन्यवाद सर। राजुल को मैं बहुत सर्वप्रथम इन्हीं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। संभवतया शायद 2 बजे का समय रहा होगा जब हम लोगों ने ये तय किया कि इस कार्यक्रम को कर लिया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये कृति मैंने जिन्हें समर्पित की, अपने पिता श्री कृष्ण कुमार अनिल जी को, उनके एकांत को, संभवतः आज उनका आशीर्वाद ही है जो मैं ये इस कृति के लोकार्पण का आज ये दिवस संजो पाई। रामनवमी का दिन बहुत इसके लिए यूपी प्रेस क्लब बुक था
ये वर्चुअल माध्यम के अलावा इसे अपने मित्रों के बीच लोकार्पित करने का विचार था, परंतु इस महामारी, कोरोना महामारी की जो इस दूसरी लहर का प्रकोप है, उसने हम सबको फिर से आहत किया, फिर से एकांतवासी किया। और तब मेरी पिछले हफ्ते जब बात हुई राजुल से, जब हम लोगों ने होली के बाद कार्यक्रम को स्थगित करने का विचार बनाया, तो राजुल से बात हुई। ये भी मेरी बहुत अच्छी सखी हैं, अलका प्रमोद, रश्मि शील और अन्य सखियों की भांति, यद्यपि हम लोग मिले नहीं हैं, ये मुंबई में हैं, और लेकिन इनका बहुत गहरा नाता लखनऊ से है, और वो गहरा नाता, इनकी बातचीत, इनके व्यवहार और सबके बीच दिखाई देता है। और अकेले यही नहीं, अशोक हमराही जी भी, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये मुंबई में हैं और हम लखनऊ में हैं। हम लोग इस तरह हैं कि जैसे एक परिवार में रहते हैं और पड़ोस की खिड़की खोल के बात कर लेंगे, ऐसा अनुभव होता है। तो मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। इसी बीच ये कार्यक्रम स्थगित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मेरी माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, और कल शाम तक ये लग रहा था कि कुछ भी घटना घट सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा और माता रानी के आशीर्वाद से उनको कल हम लोग बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कर पाए। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था, तो उनको बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनकी स्थिति में निरंतर सुधार हुआ। तो जब आज हवन पूजन वगैरह करके निवृत्त हुए, तो प्रसाद ग्रहण करते समय आलोक जी ने कहा कि ईश्वर की इच्छा है और रामनवमी तो फिर साल भर बाद आएगी, तो तुमको अपना लोकार्पण कर लेना चाहिए। तो हमने कहा हमको हॉस्पिटल जाना है, तो कहने लगे तुम्हारे स्थान पर हम चले जा रहे हैं। तो वो इस समय हॉस्पिटल में है और मैं यहाँ कार्यक्रम कर रही हूँ। तो इस ये जो एकांतवास है, शत्रुघ्न का एकांतवास या अकेले उनका एकांतवास नहीं है, शायद कहीं कहीं हम सबका एकांतवास है। मैं आज बहुत भरे मन से स्मरण करना चाहती हूँ योगेश प्रवीण जी का, जिनकी अपराजिता महाकाव्य में मुझे अपराजित अयोध्या दिखाई दी थी। उन्होंने लिखा ही है ये अपराजिता उपन जो खंड काव्य है, महाकाव्य है, वो उन्होंने अयोध्या पर लिखा है। अयोध्या नगरी को उन्होंने अपराजिता कहा क्योंकि उस पर कभी आक्रमण हुआ ही नहीं। पहले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के कारण किसी का साहस नहीं हुआ कि उस पर कोई आक्रमण करता। फिर जब राम को, श्री राम को वनवास होता है, उस समय रिपुसूदन, रिपु दमन के कारण किसी का साहस नहीं हुआ कि अयोध्या को की ओर कोई आंख उठा के देखता। फिर श्री राम के राज्याभिषेक के बाद किसी को साहस नहीं हुआ कि वो अयोध्या की ओर आंख उठा के देखता। इस नाते अयोध्या अपराजिता है। इस संदर्भ को लेके उन्होंने अपराजिता महाकाव्य का लेखन किया, और उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसमें 6 ऋतुएं हैं। वे हमारे जीवन की ऋतुएं हैं, और वे ऋतुएं एक साथ अयोध्या में घटित होती हैं, वन में घटित होती हैं, नंदीग्राम में घटित होती हैं, और उर्मिला के मन में घटित होती हैं, राजभवन में घटित होती हैं। तो उनका ये इस खंड काव्य की मैंने जब सृजन के सोपान पुस्तक अपने आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी पर केंद्रित, उनके साहित्य पर केंद्रित लिखी थी, तो उसका अद्योपांत मैंने अध्ययन किया था। तो कुछ बीज मुझे इस एकांतवासी शत्रुघ्न के वहां से भी मिले। हालांकि उन्होंने भी शत्रुघ्न पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, और मैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस प्रसंग में मेरी उनसे
बातचीत हुई, उन्होंने ही एक प्रकार से प्रेरणा दी। और मुझे वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक का संदर्भ भी दिया कि आपको शत्रुघ्न के संबंध में ये आप देखें तो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने उसका भी अध्ययन किया, मेरे पास हिंदी अनुवाद था वाल्मीकि रामायण का। और मैं डॉक्टर सुधाकर अदीब जी को भी नमन करना चाहती हूँ। मम अरण्य का जो अरण्य है वो आपने सौमित्र रामानुज सौमित्र के माध्यम से सबके मन के अरण्य को देखा, कहीं कहीं सूत्र रूप से उनके भी प्रसंग, उनकी भी बातें मेरे सामने थी। और कृष्ण मोहन मिश्र जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो पता नहीं इस कार्यक्रम को, उनको भी मैंने लिंक भेजा था, वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े मैं नहीं जानती, लेकिन पुस्तक की प्रति मैंने उनको भी उपलब्ध कराई है। उनका भी जो उपन्यास है उसमें भी शत्रुघ्न की चर्चा है। लेकिन जहां जहां मैंने पढ़ा, चाहे कृष्णावस्थी जी का उपन्यास हो, खंड काव्य हो, और चाहे प्रताप नारायण मिश्र जी का खंड काव्य हो, या रविंद्र जी का, रविंद्र शुक्ल जी का खंड काव्य महाकाव्य हो, सबने उत्तर रामचरित्र में शत्रुघ्न की प्रासंगिकता पर बात की। लवणासुर का वध, किसी ने राम के जो पुत्र हैं उनसे लवकुश से युद्ध के प्रसंगों में शत्रुघ्न को, के शौर्य को देखा। मुझे ऐसा लगा कि क्या एक क्षत्रिय राजकुमार के व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके चरित्र में मात्र शौर्य ही होना चाहिए? संवेदना के अनेक स्तर हमारे साथ होते हैं और हम कहीं क्रोधित होते हैं तो कहीं अंदर अंदर विलाप भी करते हैं। और ये विलाप, ये क्षोभ, ये प्रसन्नता, ये आकांक्षाएं, ये उपेक्षाएं, ये अपेक्षाएं हम सबके मानव चरित्र की के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और ये हमारी हमारे मानव स्वभाव की कमजोरियां भी होती हैं और हमारी ताकत भी होती है, हमारी शक्ति भी होती है। तो इस दृष्टि से मैंने इस शत्रुघ्न के चरित्र को देखने का प्रयास किया। कितनी सफल हुई हूँ ये तो आप सब पाठक जानेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जब पिछली बार 22 मार्च को हम अचानक से लॉकडाउन के घेरे में आ गए, तो पहली बात जो मेरे मन में आई कि अरे पता होता तो कुछ किताबें घर में लेके रख लेते पुस्तकालय से। और मैं काम करना चाह रही थी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और कामायनी को लेके। कामायनी पर मुक्तिबोध की पुस्तक है कामायनी पुनर्विचार, तो उसको लेके और जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पर लेके मैं काम करना चाह रही थी। तो मुझे सबसे पहले लगा कि अगर ये पता होता तो कम से कम ये मुक्तिबोध वाली पुस्तक तो मेरे पास थी, कामायनी भी कहीं होगी, लेकिन पुस्तकालय में सुविधा से मिल जाती है तो उसको रख के कुछ काम किया जा सकता था। लेकिन वो समय बढ़ा जा रहा था और नकारात्मकता बढ़ती जा रही थी। जब भी मेरे मन में नकारात्मकता आती है तो मैं दीनदयाल विरद संभारी, हरहु मन हरहु नाथ मम संकट भारी की भावना, यही आस्था मेरे मन में आती है कि राम ही राम है और उनकी जो इच्छा होगी वही संभव हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम ऐसा चरित्र हमारे सामने है श्री राम के रूप में, जो नकारात्मकता में भी सकारात्मक हैं। वे वन में हैं तो वहां भी आनंदित हैं, वे राजमहल में हैं तो भी दुखी हैं। सीता के विछोह की स्थिति में जब वे, तुलसीदास जी के शब्दों में कहा जाए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनैनी कहते हैं, तो वे जब राजमहल में आते हैं तो, और फिर उन्हें उनका परित्याग करती हैं सीता, मैं ये कभी नहीं स्वीकार कर सकती
कि कोई पति अपनी पत्नी का, वो भी राजा राम पुरुषोत्तम राम, अपनी पत्नी का परित्याग करेंगे, मेरा मन ये इस बात के लिए स्वीकार नहीं करता और मेरे शत्रुघ्न जी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। वे क्रोधित होते हैं कि भैया राम ने ऐसा किया ही क्यों। तब लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं कि भैया राम ने कुछ भी नहीं किया, भाभी सीता और उन दोनों के बीच की, पति पत्नी के बीच की वार्ता थी और उन दोनों का निर्णय था, उसमें हम और तुम या कोई भी कहीं भी स्थित नहीं है। और मेरा ऐसा मानना भी रहता है जहां पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वहीं वो आपसी सामंजस्य तालमेल और जो निष्ठा और उसके संबंध होते हैं उनमें भी श्रृंखलता आती है। तो मेरे मन की जो धारणाएं हैं, मेरा मानना है कि एक लेखक अपने पात्रों के साथ एकांतवास में होता है और ये एकांतवास मैं आपको बताऊं कि होली के बाद, नवरात्र के बाद के अवसर के बाद, 22 मार्च के बाद में वो जो समय था, शायद अप्रैल का पहला हफ्ता था, कुछ कविताएं लिखी, कुछ कहानियां भी, मन को शांति कहीं नहीं मिली तो मैंने रामचरितमानस को उठाया और कुछ पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि एक मेरे मन में विचार है तो राम कथा को पुनः गुनने का ये अवसर है। और नियम से जैसे घर में रहते हुए भी, मेरे पति देव हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की सेवा में हैं, कोरोना योद्धा हैं, वे नियमित अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की रोज आके बताते हैं कि आज इतने पॉजिटिव निकाले, आज इतनी जांच की इतने पॉजिटिव निकाले, और ये पॉजिटिव होना कितना नेगेटिव है ये तो जब तक वे आके स्नान ध्यान करके नीचे चाय पीने नहीं लगते हैं तब तक दिल धक धक ही करता रहता है। तो वो भी हमेशा कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जाते समय सुबह यही कहते हैं कि जय श्री राम और अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान से काम करिएगा, तो वो भी यही कहते हैं राम ही राम करेंगे। तो हम लोग राम के चारों ओर ही घूमते रहते हैं और उनकी ही जो इच्छा होती है वही पूर्ण होती है। आज रामनवमी का दिन था, उनकी इच्छा थी कि इस पुस्तक का लोकार्पण हो सके तो उन्होंने ही ये स्थितियां बना दी और आज आप सब लोग हमारे साथ हैं और हम सब इस पर बात भी कर रहे हैं। ये कृति पूर्ण जो मैंने इसका एकांतवास की बात लिखी, जो अंतिम भूमिका के तौर पे जो लिखा, वो लिखा था 7 मई को, वो वैशाख पूर्णिमा थी अर्थात बुद्ध पूर्णिमा। तो ये एकांतवास बुद्ध जी का भी एकांतवास है, हमारा आपका हम सबका तो है ही, ये बुद्ध जी का भी एकांतवास है। बुद्ध जी भी एकांतवासी होके ही ज्ञानवान हुए, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम जब जब एकांतवासी होंगे हम ज्ञानवान होंगे और इस ज्ञानवान होने में हमें राम, श्री राम जी के श्री चरणों के आशीर्वाद से अगर कुछ सकारात्मक कृतित्व मिलता है तो मुझे लगता है कि हम इस नकारात्मक समय को भी बहुत सुंदर ढंग से जी पाएंगे। और एक बात और थी कि जब मैंने, बहुत विचलन की स्थिति होती है हमारे मन की, हम लोग संवेदनशील रचनाकार हैं, सुधाकर सर और अलका, राजुल, रश्मि और हरिशंकर जी के साथ साथ जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे सब भी रचनाकार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लेखन क्यों करते हैं, हम क्यों साहित्य सृजन करते हैं, हम समाज को क्या देना चाहते हैं, हम अच्छे समाज की कल्पना करते हैं और हम अच्छे समाज को अपनी कल्पनाओं से करते हैं, तो सरकार करने की ऐसा समाज हम बना सके, हमारा दायित्व भी यही है। जब
इस कोरोना की दस्तक आई, अध्यक्ष आई, तो अन्य लोगों की तरह मैंने भी करने की कोशिश की। 1980-18 और उससे 1920 के बीच एक इसी प्रकार की महामारी से विश्व जूझा था, विश्व को इसी प्रकार के प्रकोप, इससे भी भयंकर प्रकोप से लड़ना पड़ा था। क्योंकि आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, साधन बहुत सारे हैं, उस समय इतने साधन भी नहीं थे और कई करोड़ की जनसंख्या, इसमें कई लाख लोग, कई करोड़ लोग चले गए थे। तो मैंने देखा कि उस की चर्चा साहित्य में भी हुई होगी, तो निराला के उपन्यास में कुछ थोड़ी बहुत चर्चा मिली। और जो बांग्ला साहित्य के उपन्यास हैं, बांग्ला की हिंदी चंद बहुत अच्छे ढंग से अमिता दुबे जी की बात रख रही थी यहाँ, और लेखिका के मन में क्या चलता है लिखते समय और जिस परिवेश में रह के वह लिखती हैं, लिखते हैं, ये जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब अमिता दुबे जी इतनी वरिष्ठ लेखिकाओं में से हो गई हैं कि हम सब उनसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं, और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि वे सदैव उन अपेक्षाओं पे खरी उतरती हैं। इतने संघर्षमय जीवन में एकांतवास में रहते हुए एकांतवासी शत्रुघ्न के बारे में सोचना, रामानुज के बारे में सोचना, राम कथा के बारे में सोचना, क्योंकि ये जो कथा है श्री राम की संघर्षों की, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संबल है हम लोगों के लिए इस कठिन काल में। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मिता जी आ रही हमारे बीच में, आइए मिता जी। जी कुछ नेट की कुछ समस्या के वर्चुअल माध्यम में कई कई बार हो जाता है, क्षमा करिएगा। तो मैं कह रही थी कि जब बांग्ला साहित्य में कुछ पुस्तकों में उस महामारी का संदर्भ आता है, और वह ऐसी महामारी थी जिसमें कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की पुत्रवधु का भी निधन हो गया था उस महामारी से, तो उस समय मेरे मन में आया कि इस कोरोना काल को आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद कभी याद किया जाएगा तो हम साहित्यकारों की कृतियों में ही खोजा जाएगा। इतिहास, मेडिकल साइंस का इतिहास इस प्रकार की प्रयोगों में आगे बढ़ जाता है, वो पीछे की बातें कम करता है, वो आगे की बात करता है। लेकिन हम साहित्यकार अपने समय को, अपने कालखंड को और अपनी जो स्थितियां हैं उनका चित्रांकन करने के लिए सक्षम होते हैं। माँ सरस्वती ने हमें वो, हमारे ऊपर वो अनुकंपा की हुई होती है कि हम देखिए, अनुभव तो सबके पास होते हैं, अनुभूतियां सबके पास होती हैं, लेकिन शब्द सबके पास नहीं होते अपनी बात कहने के लिए। तो मैं इस माध्यम से माता सरस्वती के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे अपने शहर लखनऊ में, यही मेरा जन्म हुआ, यही शिक्षा दीक्षा हुई, यही आप सबके बीच काम करने का अवसर मिला, तो मुझे स्नेह बहुत मिला, प्रेम बहुत मिला और निरंतर मिलता रहता है।
मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ईश्वर ने मेरी क्या किस्मत बनाई है कि लोगों को जिन चीजों के लिए, जिन बातों के लिए तिकड़म करते मैंने देखा है, मेरी झोली में माँ भगवती स्वयं उन आशीर्वादों को अपने माध्यम से मुझे देती रहती हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ राजुल जी के प्रति भी, और विशेषकर सुधाकर अदीब सर के प्रति, हरिशंकर मिश्र जी के प्रति, जिनको 3 बजे हमने बताया कि 5 बजे से कार्यक्रम होना है, और आप सब सहजता से इतने लगभग हम लोगों को 2 घंटे हो रहे हैं इस कार्यक्रम को करते हुए, 7:15 बज रहा है और हम लोग ठीक 5 बजे जुड़ गए थे। तो इतने स्नेह के लिए, इतने मान के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस जिन जिन के नाम मैंने देखे, कुछ के नाम मैं लेना चाहती हूँ जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, विशेषकर अनुपम घोष जी, विनोद वर्मा, मधु मेहता, रामकिशोर जी, शशिकांत मिश्रा भारती जी, ज्योति किरण रतन जी, मंजू शुक्ल जी, अमर श्रीवास्तव जी, अवनीश श्रीवास्तव जी, नूतन वशिष्ठ जी, डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव, दिव्या त्रिवेदी, दिवाकर जी, भाई पद्मकांत शर्मा जी, और हम सबकी आदरणीय प्रमिला भारती जी। कुछ नाम मेरी दृष्टि से छूट गए हों तो क्षमा करिएगा, लेकिन आप सभी को मैं नमन करती हूँ। और जिन और ये निवेदन भी करना चाहती हूँ कि ये उपन्यास अमेजॉन पर उपलब्ध है, बोधि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, और 150 रुपये इसका मूल्य है, अमेजॉन पर इसकी उपलब्धता है। तो आप सब इसे आशीर्वाद देंगे। मैंने बहुत साहस करके इस उपन्यास को लिखा है। सुधाकर सर तो बहुत गुड़ उपन्यास लिखते हैं, अलग अलग विषयों पर लिखते हैं, और मैं फिर हमेशा जैसे इनके मेरा सौभाग्य है कि इनकी हर कृति के लोकार्पण का साक्षी होने का मुझे सौभाग्य मिला है किसी ना किसी रूप में, और कई कई कृतियों के तो कई कई बार लोकार्पण हम लोगों ने कार्यक्रम किए, लोकार्पण क्या चर्चा के कार्यक्रम किए हैं, अलग अलग शहरों में किए हैं। तो मैं उनके लेखन के संबंध में हमेशा कहती हूँ कि सर एक सांचा बनाते हैं और उस सांचे को, उस प्रेम को फिर अगले उपन्यास में तोड़ देते हैं। तो ये इतना साहस मुझ में नहीं है, मैंने बहुत साहस करके ये दूसरा उपन्यास लिखा है। ये बहुत कठिन समय है, हमने बहुत सारे साहित्यकार मित्रों को खोया भी है, नरेंद्र कोहली जी को भी मैं नमन करती हूँ, बहुत सबको एक एक का नाम लेने के स्थान पर सबको नमन करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि तो ये वही जो राम रचि राखा, और हम लोग क्यों अपना दिमाग खराब करें, जो प्रभु राम ने जो, और हमारा सबका मानना भी है, हमारी अगर भारतीय सनातन पद्धति से हम बात करें तो जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मृत्यु की तिथि अंकित हो जाती है उनके दफ्तर में। तो जब एक निश्चित समय है, नहीं तो कुछ लोग संघर्षरत होते हुए भी जीवन पा जाते हैं और कुछ लोग चलते फिरते चल देते हैं। तो हम लोगों को दुखी ना होकर ये सोचना चाहिए कि हम उनका साथ हमारा इतना ही था और हम उनको हमेशा याद रखेंगे। और हम लेखन क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने नाम को अपने कृतित्व के माध्यम से हमें स्मरण में रखा जाए। तो उन सब सभी साहित्यकार बंधुओं की तो सादर नमन करते हुए मैं राजू जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रकाशक के मंच को आभार व्यक्त करती हूँ, और अगर इस कोरोना से मुक्ति हुई तो इस पर एक गंभीर चर्चा हम लोग फिर से करेंगे और आमने सामने बैठ के करेंगे। तब सुधाकर सर जी को और हरिशंकर मिश्र जी का पुनः मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। अलका और रश्मिशील तो मेरी अपनी मित्र हैं, उनसे वो उनके बिना तो मेरा कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। और मैं तब कोशिश करूंगी कि राजुल को भी लखनऊ बुलाऊं तो हम सब लोग इकट्ठा हों और फिर से कहीं किसी स्थान पर बैठकर छोटी सी गोष्ठी ही सही लेकिन कुछ बातचीत करें।
और सुधाकर सर के और हरिशंकर मिश्र जी के आशीर्वाद का मेरे लेखन पर बहुत प्रभाव है। और मैं हरिशंकर मिश्र सर ने तो मुझे पढ़ाया भी है, सर को नहीं मैं याद हूंगी, मुझे तो सर याद हैं लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद और आप सबका इसी शुभकामनाएं इसी प्रकार मुझे प्राप्त होते रहे। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम यही कहेंगे इस समय कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म मार सुखरवाजू, ये जो निश्चित सुनिश्चित था वो आज संपन्न हो गया। और मेरी बहुत इच्छा थी जब आपने इसका जिक्र किया था पहले पहल कि ये उपन्यास और जल्दी आने वाला है, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि प्रकाशक पर आए, तो प्रकाशक पर आने का ये संयोग भी बना और उसके बाद कुछ वो परिस्थितियों वश फिर ये चल रहा था, लेकिन फिर आज ईश्वर ने जिस दिन नियत किया था उसी दिन हो गया ही। तो ये बहुत ही अच्छा, इसको संयोग ही कहेंगे, और इससे विश्वास और दृढ़ होता है, आज पर विश्वास और दृढ़ होता है सच में। तो आज का ये दिन बहुत स्मृति में हमेशा ताजा रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर से लखनऊ की आबो हवा को अपनी चारों तरफ महसूस कर रही हूँ इस बंद शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। और आज की शाम के लिए आप सभी का धन्यवाद, आदरणीय डॉक्टर सुधाकर अदीप जी, आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, आदरणीय अमिता दुबे जी, आदरणीय अलका प्रमोद जी और आदरणीय रश्मि शुक्ल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और आज एक बार फिर से डॉक्टर अमिता दुबे को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सुंदर।